हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा सेटिंग्स की नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कार्ड की कुछ टिप्स के बारे में और कुछ मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो कार्ड है वो बिल्कुल भी करप्ट नहीं होगा और आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ होगा। क्योंकि हम जब भी कहीं वेडिंग में फोटो क्लिक करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं या फिर हम कहीं डाटा ट्रांसफर करते हैं तो कुछ छोटी मोटी गलतियां हम करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में ये कुछ गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे और आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। तो हमें कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए जब हम कैमरे में कार्ड को यूज करते हैं, तो चलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप अपने कैमरे से फोटो को ट्रांसफर करते हैं, कहीं आप लैपटॉप में डालते हैं या फिर कहीं पीसी में डालते हैं, तो अपने कैमरे में डाटा केबल लगा के अपने फोटो को ट्रांसफर करें। इससे हमारा जो डाटा है वो सेफ रहता है और कार्ड करप्ट होने का खतरा है वो कम हो जाता है और इजीली हमारे जो फोटोज हैं वो लैपटॉप पीसी में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जब कभी भी आप कहीं वेडिंग में फोटो क्लिक कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप कैमरे को यूज कर रहे हो तो आप कैमरे को बार बार ऑफ ना करें। इससे भी हमारा जो कार्ड है वो करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है और हमारा जो डाटा है वो भी सेफ नहीं रहता। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कहीं आप फंक्शन में हो या कहीं प्रोग्राम में हो तो अपने कैमरे को आप बार बार ऑफ ना करें और उसको ऑन ही रहने दें। अगर आप बार बार ऑफ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे कैमरे की जो बैटरी है वो भी कम चलेगी और आपको बैकअप भी कम मिलेगा और हमारा जो डाटा है वो भी सेफ रहेगा। क्योंकि जब हम बार बार अपने कैमरे को ऑफ करते हैं तो पूरा जो प्रोसेस है वो कैमरा लेता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिजिटल फंक्शंस होते हैं, डिजिटल पूरा कैमरा होता है तो सारा वो वर्क करता है। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल कैमरे को बार बार ऑफ ना करें। और दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी कहीं आप अपने DSLR में जो भी आप कार्ड लगाएं उस कार्ड को आप हमेशा, ऐसा नहीं कि उस कार्ड को आपने निकाल के कभी वीडियो कैमरे में लगा दिया या फिर किसी दूसरे कैमरे में लगा दिया। उससे क्या होता है कि जो हमारा कार्ड होता है वो जिस कैमरे में लगा होता है उसका एक सेपरेट फोल्डर उस कार्ड में बन जाता है। अगर हम दूसरे कैमरे में उस कार्ड को लगाएंगे तो उसमें वो फोल्डर बनेगा। तो जैसे ही अगर आप दूसरे कैमरे में उस कार्ड को यूज करके और फिर उसी कैमरे में लगाएंगे तो हो सकता है आपका कार्ड काम ना करे या फिर हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि एक सेपरेट कार्ड का आप यूज करें जिस भी कैमरे में आप उस कार्ड को यूज कर रहे हैं। और हो सके तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आप वेडिंग में काम कर रहे हो आपका जो कार्ड है वो फुल होने की कगार पर पहुंच जाता है तो उसमें आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। अगर आप उस कार्ड को फुल कर देंगे हो सकता है वो कार्ड लोड ना लें और आपका जो डाटा है वो करप्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि आपके कार्ड को थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना आए। और दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी कहीं आप फंक्शन में फोटो क्लिक कर रहे हो अपने कैमरे से तो ऐसा नहीं है कि कोई फोटो गलत क्लिक हो गया या फिर डार्क क्लिक हो गया तो आप उसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उस फोटो को वहां पर डिलीट मारने लग जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक भी आप ना करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा कार्ड लगा हुआ है कैमरे के अंदर उसका जो सीरियल नंबर है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आप जैसे ही कोई सीरियल नंबर के आगे पीछे का फोटो डिलीट मारते हैं तो उसका जो सीरियल नंबर है वो बदल जाता है। जब कभी भी आप कार्ड को कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये जो फोटो है ये कहाँ से आ गया या फिर इसका आगे का प्रोग्राम क्या है, तो ये गलती अगर आप करते हैं तो इस तरीके की मिस्टेक आपके सामने आ सकती है और आपके कार्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमेशा जब भी आप कार्ड को फॉर्मेट करें तो अपने सेपरेट DSLR में फॉर्मेट करें, ना कि आप कहीं लैपटॉप या पीसी में। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी आप कार्ड को फॉर्मेट करें तो अपने DSLR में फॉर्मेट करें, ये हमेशा आप ध्यान रखें। मैं भी अपने कार्ड को हमेशा अपने DSLR में या वीडियो कैमरा जो भी मैं यूज करता हूँ उसी में फॉर्मेट करता हूँ और हमेशा अपने कार्ड को कभी बाहर नहीं निकालता, चाहे वो मेरा DSLR हो चाहे मेरा वीडियो कैमरा हो, हमेशा मैं डाटा केबल का यूज करता हूँ। अगर दोस्तों आपके DSLR की जो बैटरी है वो लो हो गई है तो इस कंडीशन में आपको उस कैमरे में फोटो क्लिक नहीं करना है, तो इससे भी आपका जो कार्ड है वो करप्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी बैटरी का 1 इंडिकेशन रह गया है तो आप उसमें
फोटो क्लिक करना बंद कर दें। अगर आपके पास में दूसरी बैटरी है तो उसका आप यूज करें, और या फिर आप बैटरी को फुल करके ही दोबारा उस कैमरे में यूज करें। दोस्तों जब कभी भी आप फोटो को ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरी डिवाइस में, मान लीजिए आप किसी मोबाइल में फोटो को ट्रांसफर कर रहे हैं और आपकी बैटरी अगर लो है, तो उस कंडीशन में भी आप फोटो को ट्रांसफर ना करें। इससे क्या होगा कि आपका फोटो भी ट्रांसफर नहीं होगा और आपका जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल नहीं होगा। इसके बारे में मैंने अलग अलग कैमरों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और किस कारण से आती है। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि लो बैटरी में आप फोटो को ब्लूटूथ में या वाईफाई में ट्रांसफर ना करें। अगर दोस्तों आप अपने DSLR से फोटो ट्रांसफर कर रहे हैं और गलती से ट्रांसफर के समय अगर आपने मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है, आपका कार्ड करप्ट हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कार्ड से फोटो ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने कार्ड को बाहर नहीं निकालें, क्योंकि वो प्रोसेसिंग लेता रहता है और अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर करता रहता है। आपका जो कार्ड है वो करप्ट हो सकता है और आपका जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो भी आप कार्ड अपने कैमरे में यूज कर रहे हैं उसको आप मल्टीपर्पज यूज ना करें। ऐसा नहीं कि उस कार्ड को आपने कभी D5600 कैमरे में लगा दिया, कभी 7500 कैमरे में लगा दिया, या फिर आपने कभी NX100 कैमरे में उस कार्ड को लगा दिया। अगर आप इस तरीके से उस कार्ड को यूज करेंगे और जब कभी आप किसी सेपरेट कैमरे में उसको लगाते हैं, तो उसमें फोल्डर पहले से अगर बना हुआ है तो वो रीड नहीं करेगा और आपका जो डाटा है हो सकता है वो डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी कार्ड यूज करें सेपरेट कैमरे में यूज करें, ऐसा नहीं कि मल्टीपर्पज आप उस कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें भी हम हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप जब कभी भी कैमरे से कार्ड को बाहर निकालते हैं तो कैमरा पहले आप ऑफ करें, उसी के बाद आप अपने कार्ड को बाहर निकालें। अगर ऑन कैमरे में आप कार्ड को बाहर निकालते हैं तो उसमें वो जो कार्ड है वो वर्क करता रहता है और करप्ट होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अगर आप कार्ड बाहर निकालते हैं तो पहले अपने कैमरे को ऑफ करें और उसी के बाद आप अपने कार्ड को बाहर निकालें। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक आप अगर करते हैं तो वो ये है कि ज़्यादा समय तक आप किसी भी कार्ड को यूज ना करें, क्योंकि जो कार्ड है वो जैसे कि मान लीजिए 3-4 साल आपने यूज कर लिया, तो उस कार्ड को आप अलग रख दीजिए। वो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है और आपकी जो स्क्रीन है उस पर धीरे धीरे वो डबरू का निशान बनाने लग जाता है। तो अगर आपने 4-5 साल किसी कार्ड को यूज कर लिया तो उस कार्ड को आप अलग रख दीजिए और नया कार्ड आप यूज करिए। तो इससे भी आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा और फोटो क्लिक करने की जो स्पीड है आपके कैमरे की वो भी बढ़ जाएगी। और अच्छा दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम कार्ड को यूज करते हैं, बार बार लगाते हैं या बाहर निकालते हैं, तो उसमें रेशे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। अगर इस कंडीशन में आपका जो कार्ड है वो आ गया है, उसमें निशान बन गए हैं, तो उस कार्ड को आप बिल्कुल भी यूज ना करें उस कैमरे में। अगर आप उस कार्ड को उस कैमरे में यूज करते हैं तो आपका जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। ये सब चीज़ें हैं ये मेरे अनुभव के साथ में सीखता हूँ और उसी के बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ बैड मिस्टेक थी जो हम अपने फोटोग्राफी के टाइम करते रहते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप अपने डाटा को और अपने कार्ड को आप सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे आइकन को भी जरूर दबाएँ। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।